नोहर स्थानीय उपकारागृह में कार्यरत जेल प्रहरी सुखदास स्वामी पर जानलेवा हमले के बाद हुई मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ग्रामीण व परिजनों ने जेल प्रहरी का शव नोहर थाने के समक्ष रखकर नोहर थाने का घेराव व प्रदर्शन किया। इसके बाद ग्रामीण व परिजन पुलिस थाने के आगे धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों की मांग है कि मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी व खुईया थाने को लाइन हाजिर किया जाए। मामला बढ़ता हुआ देखकर पुलिस जिला अधीक्षक कालूराम रावत नोहर पहुंचे। जिला पुलिस अधीक्षक की ग्रामीण परिजनों से हुई वार्ता विफल रही। ग्रामीण व परिजन शव के साथ पुलिस थाने के आगे धरने पर डटे हुए हैं। ज्ञात रहे कि जेल प्रहरी पर हमला 29 अप्रैल को ड्यूटी से लौटते वक्त हुआ था। हमले 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अप्रैल को जेल प्रहरी सुखदेव निवासी खुईया, जिसके ऊपर खुईया गांव से चल करके नोर जेल के अंदर ड्यूटी पर आ रहा था। उसी समय ड्यूटी पर आते हुए नोर के बदमाशों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया, और वो जानलेवा हमला इस बात के लिए किया कि सुखदेव एक ईमानदार अफसर था। वो ये चाहता था कि जेल के अंदर न चिट्टा पहुंचे, न जेल के अंदर दूसरा नशा जाए, जेल के अंदर शराब नहीं जाए, जेल के अंदर मोबाइल नहीं जाए। इन चीजों के खिलाफ उसने अपराधियों को धमकाया था। उसी बात की रंजिश रखते हुए इस क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटरों ने मिलकर के उसके ऊपर जानलेवा हमला किया, और आज हमले को 24 दिन गुजर गए। 24 दिन गुजर जाने के बाद कल रात को सुखदेव, जिसके आंतरिक चोट थी, उस चोट के कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस के लिए शर्म की और लानत की बात इस बात के लिए है कि 24 दिनों के अंदर पुलिस जिस आदमी ने हमला किया, जो मुख्य है, मास्टरमाइंड, जो मुलजिम था, उसको मुलजिम को नहीं पकड़ पाई। एक भी अपराधी को पुलिस पकड़ नहीं पाई।